सीपी लर्निंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। मैं मारुति, और जैसा कि आपको पता है कि अपने जेपी लर्निंग सेंटर के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग बोर्ड स्टूडेंटों को प्रिपरेशन करवाते हैं, तो ऐसे ही हम लोगों के सामने बहुत से बच्चों ने बोला होता कि सर मैथ के लिए कुछ ट्रिक दीजिए। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं गाइस जो कि मैथ में थोड़े वीक होते हैं और जिनको मैथ समझ में आ भी नहीं पाती है, और वो हेरिटेशन की वजह से अपनी कोचिंग क्लासों के अंदर टीचर से कुछ पूछ भी नहीं पाते हैं। तो बोर्ड स्टूडेंटों के लिए हम लोगों ने मैथ के लिए ये सारी क्लास स्टार्ट की हुई है। और देखिए गाइस, अगर आपने ये वाली क्लास अगर मेरी फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो आपको मेरी सैटरडे वाली क्लास यानी कि सिर्फ प्रीवियस वाली क्लास को देखना चाहिए, क्योंकि मैथ में सबसे पहले हमने उठाया है स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी को, क्योंकि सांख्यिकी सबसे टफ होती है और बच्चों को इजीली समझ में नहीं आती है। तो आपको वो वीडियो देख लेनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने मीन, मीडियन, मोड सबके फॉर्मूले बताए हुए हैं, और मीन सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हमने मीन निकालना सिखाया है कि मीन में किस कितने टाइप के सम्स होते हैं और उन सम्सों को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो उसी टाइप का एक सम्स आज प्रॉब्लम आई थी मेरे पास में कि सर इस टाइप के सम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए सम्स आपके सामने है, क्वेश्चन आपका ये है, यदि निम्न बारंबारता का माध्य है 50 हो, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने समांतर माध्य निकालना सीख लिया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में समांतर माध्य दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर स्टैटिक्स को सीखना चाहते हैं तो प्रीवियस क्लास को जरूर देखिएगा। यदि निम्न बारंबारता का माध्य 50 हो तो इसमें अंकित अज्ञात बारंबारता F1 और F2 का मान ज्ञात कीजिए। अभी तक की डेट में क्या होता था, जितने भी सम्स हमने सीखे थे उसमें हमें एक्स देता था, ये क्वेश्चन है, एक्स दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में और एफ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दो बारंबारता नहीं दी है, एक F1 नहीं दी है, एक F2 नहीं दी है हमें बारंबारता। तो आपको जैसा पता है कि समांतर माध्य निकालने के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है सिग्मा Fx अपॉन सिग्मा Fy, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि समांतर माध्य बराबर यानी कि x बार इक्वल टू सिग्मा Fx अपॉन f। तो सबसे पहले समांतर माध्य निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सिग्मा Fx चाहिए होता है। तो Fx कैसे निकलता है हमारा, Fx निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि x में f का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम एक कॉलम बना लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया होता है, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है क्योंकि स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने इसको यहीं पे सॉल्व कर दिया है। तो सबसे पहला कॉलम होता है आपका समांतर माध्य का एक्स, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, उसके बाद में बारंबारता होती है, बारंबारता आपके क्वेश्चन में दी हुई होती है, उसके बाद में हम क्या करते हैं एफ एक्स एक कॉलम बनाते हैं एफ एक्स, और एक्स का एफ से मल्टीप्लाई करते हैं, 17 tan 170, एफ वन का 30 में किया 30 F1, 32 का 50 में किया 1600, F2 का 70 में किया 70 F2, और 90 का 19 में किया 1710। अब क्या करते हैं, उसका क्वेश्चन पेपर में ये भी दिया हुआ है कि समांतर माध्य 50 है और इस बारंबारता का कुल योग 120 है, बारंबारता का कुल योग 120 है। तो हम क्या करते हैं कि कुल योग हमने क्या किया, इसको 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 और इसको ऐड कर लिया, क्योंकि तो निकालना है हमें, क्योंकि ये दो संख्या नहीं दी हुई है, इसलिए सबको जोड़ लेते हैं हम, 60 इसको 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 जोड़ा 68 प्लस F1 प्लस F2, ठीक, ये आया हमारा सिग्मा Fi, जबकि सिग्मा Fi हमें दिया हुआ है बारंबारता का कुल योग 120 है, क्वेश्चन पेपर में दिया है, ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, राइट। अब बात आती है कि 68 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 120 दे रखा है क्वेश्चन, इनका योग 120 है, राइट। अब हमने क्या किया, 60 संख्या को उधर पहुंचा दिया, F1 प्लस F2 इक्वल टू 120 माइनस 68, ठीक, हमारे पास इक्वेशन आ गई F1 प्लस F2 इक्वल टू 52, फर्स्ट इक्वेशन आपकी रेडी हो गई। अब बात आती है इस वाले फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करते हैं, F बार इक्वल टू सिग्मा Fx अपॉन सिग्मा Fi या सिग्मा F, तो Fx का हमने मल्टीप्लाई करने के बाद सबका टोटल कर लिया, टोटल करके यहां पर लिख लिया, इसका 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 हमने टोटल किया, यहाँ पे आया, इन दो संख्या को दिया हुआ नहीं है इसलिए हमने प्लस, ओके प्लस तो हमें करनी है, प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, ये करने के बाद में हमने इस फॉर्मूले में इन वैल्यू को पुट कर दिया कि X1 इक्वल टू सिग्मा Fx अपॉन n, सिग्मा Fx क्या है हमारा, सिग्मा Fx है हमारा, हमने यहाँ पे उतार लिया, Fi क्या है हमारा, ये रहा। अब इसको हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद में हमने क्या किया इसके अंदर कि दिस इन सबको एक साइड ले लिया,
और ये जो 120 है, 120 का हमने मल्टीप्लाई किया 150 में, यानी कि अगर कोई संख्या अपॉन में होती है जब हम उसको उस साइड पे लेके जाते हैं तो वो संख्या मल्टीप्लाई कर जाती है। 120 का 50 से मल्टीप्लाई किया आपका 6000 आया। उसके बाद में हमने क्या किया, ये जो संख्या है संख्या एक साइड पे ले लिए, एफ एफ हमने एक साइड पे ले लिए, तो 30F + 70F2=6000 - 3480 राइट। 6000 - 3480 को माइनस करते हैं आपका 2520 बढ़ता है, इक्वेशन आपकी सेकंड बन गई, यानी कि 30F1 + 70F2=2520। अब क्या किया हमने, F1 का मान, क्योंकि ये F1 है, ये F2 है, सॉल्व कैसे करें अपन, तो यहाँ पे हमने क्या किया बोलता, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी F1 + F2=52, हमने क्या किया इसको F2 को उधर पहुंचा दिया, तो F1=52 - F2। अब जहां जहां F1 होगा वहां वहां 52 - F2 रखना पड़ेगा आपको। अब F1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 30 की जगह पे 30, F1 की वैल्यू कितनी है हमारी 52 - F2, तो 52 - F2 + 70F2 + 2520 राइट। इसको यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 30 का 52 में मल्टीप्लाई किया क्योंकि F1 की वैल्यू कितनी है 42, 52 - F2, तो 30 का 52 में मल्टीप्लाई किया 1560 माइनस 30 का F2 में मल्टीप्लाई किया माइनस 30F2 + 70F2=2520 2520। अब क्या किया, संख्या एक साइड पे ले ली और F एक साइड पे ले लिए, 1560 इधर प्लस के इसको इधर लिया माइनस के हो जाएंगे, 1520 में से 1560 गए, 960 बचे, और 70F में से 30F गए आपके बचे 40F, तो 40F2=960। F2 की वैल्यू निकालने के लिए जो चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई में होती है जब उसको उधर से डिवाइड में आती है, F2=960 - 40 जीरो से जीरो करके 4×8 एक बचा 16 होगा, 4×16 यानी कि F2 की वैल्यू आ गई आपकी 24। अब F2 का मान आप इस इक्वेशन रख दीजिए, F1=52 - F2 यानी F1=52 - F2, F2 की वैल्यू कितनी है 24, 52 में से 24 गए बचे 28, यानी कि ये ली आपकी F1 की वैल्यू 24 और ये ली आपकी F2 की वैल्यू 28। तो गाइस इसी तरीके से इसी ट्रिक से हम डेली अपनी मैथ को फिनिश करेंगे और डेली एक्सरसाइज के जितने भी सम्स होते हैं उनको करेंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपके पास है स्टेटिस का और वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें कमेंट करके उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, आपको उसकी ऑनलाइन वीडियो अलग से सेपरेटली मिल जाएगी। कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं रेगुलर। तो गाइस अगर चैनल पसंद आए और आप इस चैनल के माध्यम से मैथ सीख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।